क्लासेस ना रहनुमाई, महंगी है फिर भी पढ़ाई। ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरनेट का खर्चा भी तलबा के जिम्मे। तलबा ने क्लासेस ना होने और फीसों की वसूली पर मौलगीर एहतजाज की कॉल दे दी। तलबा का कहना है कि इंटरनेट सर्विस कहीं मयसर नहीं तो कहीं इंटरनेट की स्पीड ही नहीं। क्लासेस किस तरह ले और फीस क्यों दे? चीनी बहरान के जिम्मेदारों के गिर्द शिकंजा कसने का फैसला। हुकूमत का 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजने का ऐलान। बेनामी अकाउंट्स और टैक्स चोरी का मामला एफबीआर देखेगा। स्टेट बैंक को सब्सिडी और बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात की तहकीकात का हुक्म। मुसाबकती कमीशन और एफआईए को भी टास्क दे दिए गए। मौफने खसूसी शहजाद अकबर कहते हैं, कोई किसी जमात से हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जवाब देना होगा। वजीर तलाश शिबली फराज का एहतसाब मजीद सख्त करने का इंदिया। इमरान खान खुद चीनी माफिया है, खुद चीनी कमीशन से भागे। तर्जमान नू लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद, कहा ईसीसी और काबीना के तमाम फैसलों की मंजूरी खुद इमरान खान ने दी। जहांगीर तरीन को पिछले दरवाजे से लंदन भगाकर कह रहे हैं एहतसाब हो रहा है। एहसन इकबाल ने कहा, अपनी चोरी छुपाने के लिए तोपों का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की बंदिश का नून लीग का फैसला गलत करार दे दिया। सईद गनी कहते हैं कि स्टील मिल्स विफाक से नहीं चलती तो सिंध हुकूमत चलाने को तैयार है। मिल की जमीन सिंध की मलकियत है, सिंध को एतमाद में लिए बगैर कोई फैसला किया तो नहीं मानेंगे। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहते हैं, दिहाइयों से नाइंसाफी की वजह से बलोचों में गम गुस्सा पाया जाता है। ब्रामश की मां के कातिल गिरफ्तार ना हुए तो ये इंसाफ की मौत होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का 9 जून को नैब में पेश होने का फैसला। कानूनी टीम से मुशावरत मुकम्मल। पेशे के मौके पर कारकुनान को भी इकट्ठा किया जाएगा। दुनिया में कोरोना केसेस कम, पाकिस्तान में तादाद बढ़ने लगी। 5,000 के करीब नए केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 98,943 हो गई। मजीद 67 अफराद जा बहक। अम्बाद 2,000 से तजावुज कर गई। मामले खसूसी जफर मिर्जा कहते हैं, कोरोना से जितनी अम्बाद हुई उनमें से 74% अफराद को दीगर अमराज थे। मरीजों में मुअम्मर और बीमार अफराद शामिल थे। कराची में कोरोना की सूरत हाल संगीन। तमाम अस्पताल मरीजों से भर गए। डाओ, इंडस, जिना, आगा खान, लियाकत और नेशनल अस्पताल समेत सब जगह अस्पताल फुल के बोर्ड लग गए। मरीजों को परेशानी का सामना। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दिया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं, कोरोना से अपील है कि वो हमारे हाल पर रहम करे। हमारी हुकूमत ना अहल ना लायक है, मगर आवाम का कोई कसूर नहीं। नाकिस हिकमत अमली की वजह से कोरोना फैला। पीएमए पंजाब की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सदर पीएमए पंजाब डॉक्टर साहबजादा सैयद मसूद कहते हैं कि जब लॉकडाउन की जरूरत थी तब खत्म कर दिया गया। डॉक्टर्स और तिबी अमले के लिए हिफाजती इंतजाम मौजूद नहीं। पंजाब के पार्लियामानी सेक्रेटरी नजीर चौहान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। 15 दिन के लिए करंथीना चले गए। डेरा बुक्टी से रुकन कौमी असेंबली शाहजैन बुक्टी भी कोरोना का शिकार, घर ही में आइसोलेट। ड्राइवर समेत 4 मुलाजमों का टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। हमारे जो लोग हैं, जो कि हमारी डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है, वो इस वक्त पूरी तरह परेशान है। अगर किसी हॉल की जो कैपेसिटी है, अगर आप उसमें 40-50% कैपेसिटी के साथ लोगों को आप अलाउ कर देंगे तो बहुत वेल मैनेज्ड डिस्टेंस मेंटेनिंग के साथ हम अपने फंक्शन को बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लॉकडाउन से शादी हॉल्स मालिकान का बिजनेस ठप। हजारों अफराद बेरोजगार।
कराची के शादी हॉल मालिकान परेशान, कहते हैं हुकूमत शादी हॉल्स खोलने की इजाजत दे, एसओपीस पर मुकम्मल अमल करेंगे। टिड्डी दल के मुल्क के 40 अजला में फसलों को खा गया। सिंध में भटियारी जाम शुरू, हैदराबाद बलूचिस्तान में कोयटा खुजदार अवारान गवादर, खैबर पख्तूनख्वा में लकी मरवा करकुरम और नौशहरा पर हमले, परेशान किसान खाली हाथ रह गए। उधर एनडीएमए का टिड्डी दल के तदारों के लिए ऑपरेशन, 4230 हेक्टेयर पर टिड्डी को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे। टिड्डी दल के हमले में शिद्दत के बावजूद स्प्रे का शुरू ना होना मुजरिमाना गफलत है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कोरोना वाला रवैया टिड्डी दल के मामले पर ना अपनाया जाए, मतलूबा साजो सामान और स्प्रे मशीनों की अदम दस्तियाबी हैरानकुन है। सस्ता पेट्रोल ताहाल नायाब, मुल्क के बेशतर शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार, आवाम सस्ते पेट्रोल की तलाश में रुल गए। लाहौर में भी कई पेट्रोल पंप बंद, मालाकंद में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की 2-2 किलोमीटर लंबी कतारें। आगरा का एलएनजी की कीमतों में कमी का ऐलान, सुई नॉर्दर्न के लिए आरएलएनजी कीमत में 1.38 और सुई सदरन के लिए कीमत में 1.48 डॉलर पी एमएम बीटीयू कमी की गई। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार का आग और खून का खेल, 10 माह से जारी लॉकडाउन के दौरान भारतीय फौज के हाथों 4 ख्वातीन समेत 142 कश्मीरी कत्ल, 1300 से ज्यादा अफराद जख्मी। क्लासेस ना रहनुमाई, महंगी है फिर भी पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरनेट का खर्चा भी तलबा के जिम्मे, तलबा ने क्लासेस ना होने और फीसों की वसूली पर मौलगीर एहतजाज की कॉल दे दी। तलबा का कहना है कि इंटरनेट सर्विस कहीं मयसर नहीं तो कहीं इंटरनेट की स्पीड ही नहीं, क्लासेस किस तरह लें और फीस क्यों दें। चीनी बहरान के जिम्मेदारों के गिर्द शिकंजा कसने का फैसला, हुकूमत का 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजने का ऐलान। बेनामी अकाउंट्स और टैक्स चोरी का मामला एफबीआर देखेगा, स्टेट बैंक को सब्सिडी और बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात की तहकीकात का हुक्म, मुसाबकती कमीशन और एफआईए को भी टास्क दे दिए गए। मौफने खसूसी शहजाद अकबर कहते हैं कोई किसी जमात से हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जवाब देना होगा। वजीर इत्तला शिबली फराज का एहतसाब मजीद सख्त करने का इंदिया। इमरान खान खुद चीनी माफिया है, खुद चीनी कमीशन से भागे, तर्जमान नू लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद, कहा आईसीसी और काबीना के तमाम फैसलों की मंजूरी खुद इमरान खान ने दी। जहांगीर तरीन को पिछले दरवाजे से लंदन भगाकर कह रहे हैं एहतसाब हो रहा है, एहसन इकबाल ने कहा अपनी चोरी छुपाने के लिए तोपों का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की बंदिश का नून लीग का फैसला गलत करार दे दिया। सईद गनी कहते हैं कि स्टील मिल्स विफाक से नहीं चलती तो सिंध हुकूमत चलाने को तैयार है, मिल की जमीन सिंध की मलकियत है, सिंध को एतमाद में लिए बगैर कोई फैसला किया तो नहीं मानेंगे। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश, कहते हैं दिहाइयों से नाइंसाफी की वजह से बलोचों में गम गुस्सा पाया जाता है, ब्रामश की मां के कातिल गिरफ्तार ना हुए तो ये इंसाफ की मौत होगी। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का 9 जून को नैब में पेश होने का फैसला, कानूनी टीम से मुशावरत मुकम्मल, पेशे के मौके पर कारकुनान को भी इकट्ठा किया जाएगा। दुनिया में कोरोना केसेस कम, पाकिस्तान में तादाद बढ़ने लगी, 5000 के करीब नए केसेस सामने आ गए, मरीजों की तादाद 98,943 हो गई, मजीद 67 अफराद जाँ बहक, अमवात 2000 से तजावुज कर गई,
मामने खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं, कोरोना से जितनी अमवात हुई उनमें से 74% अफराद को दीगर अमराज थे। मरीजों में मुअम्मर और बीमार अफराद शामिल थे। और चीन भारत सरहदी तनाजा कम करने के लिए अमेरिका की किरदार अदा करने की कोशिश। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप की सालसी की पेशकश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक किसी तीसरे फरीक की सालसी की जरूरत नहीं।